भारत की जांच एजेंसियां इस धर्मांतरण के मामले को लेकर, गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के मामले को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट है। और पाकिस्तान का कनेक्शन जब से सामने आ चुका है, जिसमें ये बातें सामने आई है कि पाकिस्तानी वीडियोस का इस्तेमाल किया जा रहा था, यानी जिन जिन नाबालिग बच्चों को गुमराह किया गया, झांसे में लिया गया, उन्हें पाकिस्तानी वीडियोस दिखाए गए और पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ चुका है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हालांकि अमूमन धर्मांतरण के मामले में हमने यही देखा है, जाकिर नाइक जैसे जो भारत में प्रतिबंधित लोग हैं, उन सबके वीडियोस दिखाए जाते हैं, पाकिस्तान के वीडियोस दिखाए जाते हैं, या फिर इस्लामिक जो देश है उनसे संबंधित वीडियोस दिखाया जाता है। मैं सीधे अपने सहयोगी दीपक मिश्र का रुख करूंगी। दीपक इस वक्त मेरे साथ जुड़े। दीपक, भारत की जो जांच एजेंसियां हैं वो क्या सबसे पहले इस एंगल से जांच करेगी कि ये जो कनेक्शन सामने आया है, एक तो पाकिस्तान का, ऊपर से गेमिंग ऐप का, ये नया तरीका है? बिल्कुल, एकदम से नया तरीका है यहाँ पर, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ रीमा ये है, सोचकर चलिए कि जो अब तक धर्मांतरण के मामले आए थे वो वयस्क यानी आफ्टर 18 के ऊपर के लोगों के आए थे, लेकिन अब नाबालिगों को खास तौर से इस गेमिंग ऐप के जरिए ललचाया गया, उन्हें जीतने का भरोसा दिलाया गया और उसके बाद उनसे इस्लाम की कई तरह की चीज़ें यहाँ पर बुलवाई गई और आयतें पढ़वाई गई। तो ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि इसको पीछे से कोई नेटवर्क के जरिए इनको ये सब करवाने की परमिशन दी गई थी, इसको लेकर फंडिंग की जा रही थी। और ये सब इस वक्त इसलिए ज्यादा अब सामने आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान का लिंक इसमें इसलिए जुड़ गया है क्योंकि पाकिस्तानी वीडियोस को दिखाकर उनके दिमाग को ब्रेन वॉश करवाया जा रहा था, जिसमें जाकिर नाइक और यहाँ पर तारिक जमील जैसे लोग जो पाकिस्तानी जिनको प्रतिबंधित किया गया है उनके वीडियोज दिखाकर उन्हें ब्रेन वॉश किया जा रहा था। और इसी वजह से ये सभी 5 वक्त की नमाजें यहाँ पर पढ़ रहे थे और इसी वजह से परिवार इनका परेशान था, जिसके बाद शिकायत खुलकर सामने आई है। जी, तो इस मामले में सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि भारत की जो जांच एजेंसियां हैं वो ज्यादा अलर्ट हो चुकी हैं। आने वाले वक्त में बड़ी गिरफ्तारियां हो या नए एंगल सामने आए तो बहुत ज्यादा हैरान होने की बात नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश में खबर तो ये भी मिल रही है, यूपी कैबिनेट के ही मंत्री हैं जयवीर सिंह, उनके तरफ से ये कहा गया है कि सीएम खुद मॉनिटरिंग करें इस पूरे मामले को, यानी सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतनी सख्ती के बावजूद, कड़े नियम के बावजूद अगर इस तरीके से कोई कदम उठा रहा है, मुंबई का एक शख्स पहुंचता है गाजियाबाद में नाबालिगों को गुमराह करता है, तो वाकई चौंकाने वाली बात है। सबसे पहले ये बातें सुनिए। मोबाइल एप्लीकेशन गेम ऐपिंग के जरिए नाबालिगों का ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण का मामला गाजियाबाद से निकलकर सामने आया, जिसके बाद न्यूज 18 इंडिया लगातार प्रमुखता से यह खबर दिखा रही है और एक्शन भी हुआ इस मामले में, FIR भी दर्ज हुई। तो वहीं अल्पसंख्यक मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी इसमें एक जांच बैठाई गई है। इस बाबत हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जयवीर सिंह जी, कैबिनेट मंत्री। सर, जिस तरीके से गाजियाबाद में यह मामला निकलकर सामने आया, मोबाइल एप्लीकेशन जो गेम एप्लीकेशन के जरिए बच्चों का धर्मांतरण किया जा रहा है, ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? न्यूज 18 इंडिया लगातार यह खबर दिखा रहा है और न्यूज 18 इंडिया की खबर दिखाए जाने के बाद जांच टीम भी गठित की गई है। देखिए, आपने देखा होगा कि द केरला स्टोरी भी इन्हीं तथ्यों के आधार पर थी और उसका भी उत्तर प्रदेश सरकार ने टैक्स फ्री इसलिए करने का निर्णय लिया कि इस तरह की फिल्म को देखने के बाद अगली पीढ़ी के बच्चे सचेत रहें, इस तरह की घटनाओं से बच सकें, इस तरह की घटनाओं से दूर रह सकें, इसके लिए हम लोगों ने उसको उस फिल्म को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया। धर्मांतरण की घटना हो, लव जिहाद की घटना हो, ये लगातार जिस तरीके से संज्ञान में सरकार के आती रही, उसी के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में इनको प्रतिबंधित करने का काम किया, कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी कानून बनाने का काम किया और निश्चित रूप से जब जब मामले इस तरह के प्रकट संज्ञान में आते हैं सरकार उस पर कठोर कार्रवाई करने से नहीं झुकती है। इस वक्त एक और बड़ी जानकारी पुलिस के हवाले से, पुलिस अब पहुंची है फरीदाबाद जहां पे नाबालिग से पूछताछ की जा रही है। गाजियाबाद की पुलिस पूछताछ कर रही है, कल तक अभी तक ये नाबालिग से पूछताछ नहीं हो पाई थी, आज जब नाबालिग से पूछताछ हुई है तो उसमें बहुत सारी बातें सामने आई। ये जो पाकिस्तान का एंगल हम आपको बता रहे थे कि पाकिस्तानी वीडियोज दिखाए जाते थे, वहां से ये बातें निकलकर सामने आई है। ये गेमिंग ऐप के जरिए वो स्टेप वाइज जो हमारी सहयोगी आपको डिटेल बता भी रही है वो कैसे काम होता है ये भी नाबालिग बता रहे हैं। और सबसे पहले ये पता किया जा रहा है कि आखिर किन किन बच्चों को ये चिन्हित करते हैं, किन किन बच्चों के पास ये पहुंचते हैं और कैसे, सबसे पहले शुरुआत ये कहां से करते हैं, किस तरीके से ये शुरुआती वक्त में बच्चों को गुमराह करना शुरू करते हैं, क्योंकि इन्होंने नाम और पहचान अपनी बदली,
ये जो शहबाज नाम के शख्स के बारे में बार बार हम बता रहे हैं कि मुंबई के मुंब्रा इलाके से उसका ताल्लुक है, वो यहाँ आता है तो सबसे पहले नाबालिग बच्चों को कहता क्या है? उसकी गिरफ्तारी हुई नहीं है, उसकी गिरफ्तारी होगी तो अलग एंगल आएगा, नाबालिग से भी यही सारी बातें पूछताछ की जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन एक और खबर मैं आपको बताऊंगी कि ये बच्चे कहाँ जाते थे, एक मस्जिद में जाते थे। इन जो चार बच्चों के बारे में खबरें आई हैं, उन्हें एक मस्जिद में बार बार बुलाया जाता था, वहाँ वो नमाज पढ़ते थे, जो मुस्लिम रीति रिवाज है उसको समझने की कोशिश करते थे, और घर पे क्या बहाना बनाया जाता था कि मैं किसी दूसरे काम से जा रहा हूँ। एक परिवार को शक होता है तो वही परिवार पहुँचता है यहाँ पे कवि नगर पुलिस के पास, और उसके बाद इस मामले की जब जांच होती है तो पता चलता है कि ये तो एक बच्चे की बात नहीं है, ऐसे कई सारे बच्चे हैं। और यही वजह कि गाजियाबाद पुलिस के पास कुछ ऐसे भी इनपुट्स हैं जो मीडिया में या पब्लिक डोमेन में साझा नहीं की जा रही है, लेकिन कुछ ऐसी बातें ज़रूर है जिससे ज़रूरत पड़ी कि भारत की केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी अलर्ट किया जाए, उन्हें चौंकाना किया जाए। हालांकि जांच एजेंसियों के पास पहले से भी इस तरीके से इनपुट मिलते रहे हैं। बड़ी खबर है, गृह मंत्रालय को ये गाजियाबाद की पुलिस ने जांच प्रक्रिया से जुड़ी हुई एक एक बात वहां पे बताई है। आईबी के पास हालांकि कुछ इनपुट्स पहले से थे, लेकिन यहां से जो गाजियाबाद पुलिस ने अभी तक जो जो लोग गिरफ्त में है, जैसे एक मौलवी गिरफ्त में है, इन सबसे पूछताछ के बाद गृह मंत्रालय तक जो बातें पहुंची है वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और केंद्रीय जांच एजेंसियों के बारे में खबर ये है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां सिर्फ ऑफ दिल्ली एनसीआर का मामला नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से जो मामला सामने आया था वहाँ के बारे में भी पता कर रही है कि ये सारे मामले क्या एक जैसे हैं या ये गेमिंग ऐप वाला जो मामला है वो थोड़ा अलग है। और इस वक्त एक बयान सुनवाते हैं सबसे पहले हम आपको। तो मैं समझता हूँ अगर हमारी साइबर सेल जो है वो इसमें अलर्ट रहे तो इस तरीके की गतिविधियों को रोकना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये गाजियाबाद का मामला सामने आया, वाकई किस किस तरीके से क्या क्या हो रहा है, ये तो नई नई चीज़ें हैं। जिस तरीके से कि गेम ऐप बनाया जाता है और उसमें भी जीतने का सोल्यूशन बताया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी गवर्नमेंट पे गवर्नमेंट को कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन साइबर सेल को भी इसमें अलर्ट होना पड़ेगा। पुलिस ने मस्जिद कमेटी के एक पूर्व सदस्य को गिरफ्तार किया है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो उस मस्जिद के मौलाना साहब थे उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने पुलिस को इस बारे में सूचित नहीं किया। दरअसल ये मामला संज्ञान में तब आया जब एक परिवार ने देखा कि उनका जो बच्चा है वो 5 वक्त घर से बाहर निकल रहा है, और वो भी जिम जाने का बहाना करके। जब उसकी परिजनों ने उसका पीछा किया तो वो मस्जिद में जाता हुआ, तब ये मामला पुलिस के पास पहुंचा। तो जिस तरीके का रोल यहाँ मस्जिद कमेटी के पूर्व सदस्य मौलाना और मस्जिद के जो मौलाना साहब का आया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हिंदू मुसलमान हो या मुसलमान हिंदू हो, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं, ये अगर आप अपनी आस्था के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हर धर्म किसी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर इसमें फराड हो, जल हो और उसके बाद इस तरीके से हरकतें की जाएँ तो ये गलत है। किसी को धोखे में रख के हिंदू बना लेना या किसी को धोखे रख मुसलमान बना लेना, दोनों चीज़ें गलत हैं। अब जहाँ तक ये मौलाना साहब की बात है, मैं ये समझता हूँ कि ये इंक्वायरी का विषय है। मध्य प्रदेश के दमोह के गंगा जमुना स्कूल में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक राज्य बाल आयोग की टीम को अहम दस्तावेज मिले जिनमें गंगा जमुना स्कूल में पढ़ाने वाली 3 टीचरों के धर्मांतरण करने की बात कही जा रही है। दावा है कि प्रिंसिपल समेत 2 अन्य टीचर जो पहले हिंदू थे अब धर्म बदल कर मुसलमान बन गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के दमोह से गंगा जमुना स्कूल में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक राज्य बाल आयोग की टीम को अहम दस्तावेज मिले हैं जिनमें गंगा जमुना स्कूल में पढ़ाने वाली 3 टीचरों के धर्मांतरण करने की बात सामने आई है। शिक्षक हमें मिले हैं, प्राचार्य और 2 शिक्षक जो पहले कहीं ना कहीं हिंदू रहे और कन्वर्ट होकर उन्हें मुस्लिम बनाया गया है, या वो कन्वर्ट हो गए कैसे भी, मतलब कुछ ना कुछ तो उनका एक धर्म परिवर्तन का रहा है। अब उन्होंने उस जॉब के लिए या गंगा जमुना स्कूल के दबाव में धर्म परिवर्तन किया, ये जांच का विषय है। इसमें तो है मामला, राज्य आयोग इसकी विधिवत जांच कर रहा है, प्रतिवेदन बना के राज्य आयोग इसका बकायदा प्रशासन को सौंपेगा और आगे कार्यवाही इन पर होगी।
संस्थान इतने बड़े इन्होंने दुनिया खड़ी कर दी है साम्राज्य, जिसको मैं कहता हूँ कि दमोह के अंदर ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का इन्हें अवसर कैसे मिला। हमारी उन बहनों को लव जिहाद में फंसाकर स्कूल प्रबंधन के द्वारा धर्मांतरित किया गया। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई मात्र नहीं, धर्मांतरण की कार्रवाई भी होनी चाहिए। इनके खिलाफ लव जिहादी, इसके पीछे जो इनकी मानसिकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दमोह से हमारे सहयोगी आशीष जैन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, ये पूरा मामला क्या है? क्या नौकरी के दबाव में, स्कूल के दबाव में यह धर्म परिवर्तन किया गया है? शुरुआती जांच में क्या कुछ पता चला है? निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि दमोह का यह मामला एक छोटे से पोस्टर के विवाद के साथ शुरू हुआ। दसवीं की परीक्षा में जो परसेंटेज बच्चों के आए, उनको डिस्प्ले किया गया गंगा जमुना स्कूल के द्वारा अपने स्कूल के बाहर एक दीवार पर, उसका पोस्टर वायरल हुआ। वायरल किए जाने के बाद पता चला कि इसमें कुछ हिंदू बेटियों को भी हिजाब पहनाया गया है। हालांकि शुरुआती दौर में प्रबंधकों के द्वारा यही बात कही गई, प्रशासन की जांच में भी यही बात सामने आई कि यह हिजाब नहीं, एक स्कार्फ जैसा कुछ है, जो प्रबंधकों के द्वारा बताया गया था। वहीं इस मामले पर जब गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन का बयान सामने आया, तो इस मामले की जांच के लिए कलेक्टर के द्वारा टीम का गठन किया गया और जांच की शुरुआत की गई। इसी बीच राज्य बाल आयोग की टीम दमोह पहुंची और उनके द्वारा गंगा जमुना स्कूल का विजिट किया गया, वहां पर जांच शुरू की गई। तो इसमें कई अहम खुलासे हुए। खुलासे यह थे कि जो बच्चों के जो बोर्ड एग्जाम के फॉर्म थे, उसमें हिजाब वाले फोटो लगाए गए थे और उनके सामान्य फोटो बाजू से स्टेपल किए गए थे। राज्य बाल आयोग के द्वारा यह भी कहा गया कि यहां पर जो प्राचार्य सहित दो अन्य शिक्षिकाएं हैं, उनके द्वारा धर्मांतरण किया गया है, क्योंकि उनके पिता के नाम हिंदू नामों से मिलते जुलते हैं, उनके सरनेम हिंदू है। और इसको लेकर के लगातार अब विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल आशीष विवाद बढ़ रहा है। डीएम के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं, शिक्षा मंत्री ने बड़ी कार्रवाई की है, स्कूल की मान्यता रद्द हो चुकी है। कब का ये मामला है, कब इन्होंने धर्मांतरण किया था? क्योंकि आप बता रहे हैं कि पोस्टर के जरिए ये मामला संज्ञान में आया। निश्चित ही मामला जब हम जैसे की बात कर रहे थे कि जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में मौजूद हूं, कुछ ही देर पहले जो वहां पर जो तीन शिक्षिकाओं के धर्मांतरण की बात आ रही है, वो एक प्रतिवेदन देने के लिए, ज्ञापन आवेदन देने के लिए यहां पर पहुंची थी। जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका यह कहना था कि हम लोगों ने पहले धर्मांतरण किया, स्कूल से उसका कुछ लेना देना नहीं है। उसकी बाइट में प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन इस तरह का जो मामला सामने आया वो धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। इस मामले पर बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। जांच कमेटी जो है, वह जांच कमेटी लगातार कार्रवाई कर रही है। जांच कमेटी में क्या कुछ निकल के सामने आई है तो बयान अभी सामने नहीं आया, लेकिन राज्य बाल आयोग की टीम के द्वारा जो जांच की गई, उसमें धर्मांतरण, बच्चों को हिजाब पहनाने, उनको अनेक तरह की इस्लामिक चीजों को सिखाने की बातें सामने आई हैं। ठीक है, आपके पास दोबारा लौटेंगे कुछ और जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दे, दमोह के गंगा जमुना स्कूल मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने एक्शन ले लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी को हटा दिया गया है, स्कूल की मान्यता भी रद्द कर दी गई है। धर्मांतरण के एंगल से जांच शुरू कर दी गई है और जांच के दायरे में जिला अधिकारी को भी रखा गया है। ये बड़ी जानकारी है कि स्कूल की मान्यता भी रद्द कर दी गई है और डीएम के खिलाफ भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में धर्मांतरण का ये मामला जो सामने आया है, उस पर अब कार्रवाई की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी को हटा दिया गया है, एमपी के शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो हमारे सहयोगी आशीष जैन लगातार बने हुए हैं। आशीष, ये जांच के दायरे में डीएम को भी रखा गया है, ऐसा क्यों? नहीं, अब अभी शिक्षा मंत्री का जो बयान सामने आया है उसमें इस बात को कहा गया है, लेकिन अभी तक चूंकि हम दमोह जिला मुख्यालय पर हैं और इसको लेकर के भोपाल से यदि कोई आदेश जारी किया गया उसको लेकर के अपडेट आपको देंगे हम। लेकिन अभी इस तरह से जो मामला के है कि जांच को लेकर के लगातार प्रशासन के द्वारा भी जाँच की जा रही है और अब चूंकि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान सामने आए थे, तो उसको लेकर के अब लगातार जानकारियाँ सामने निकल करके आ रही है। तो इसकी पुष्टि जैसे ही मिलेगी उसको हम अपने दर्शकों को अपडेट कराएंगे। ठीक है आशीष, लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस मामले पर मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का क्या कुछ कहना है, ये भी दर्शकों को सुनवाते हैं। पहले वहाँ कई सारी अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी, धर्मांतरण जैसे विषय भी आए हैं, टेरर फंडिंग जैसा विषय भी आया है, और ऐसे में हमारे जिला प्रशासन को, जिसमें एसपी भी और कलेक्टर भी,
उसको तत्काल जांच करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और गृहमंत्री जी ने पुलिस को जांच के आदेश दिए, उसमें सारे बिंदु सामने आ जाएंगे। वहीं दमोह के गंगा जमुना इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाया है। छात्रों का आरोप है कि शिक्षकों पर धर्मांतरण करवाने का आरोप लगाया है और कहा है कि उन पर नमाज पढ़ने का दबाव बनाया जाता था। छात्रों का ये भी आरोप है कि स्कूल की तरफ से उन्हें कहा गया कि अगर वो मुस्लिम रीति रिवाज अपनाते हैं तो उनकी फीस माफ कर दी जाएगी। वहीं शिकायत मिलने के बाद स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बच्चों ने टीचर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और हमारे साथ आशीष हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, ये बड़ा आरोप छात्रों की तरफ से भी लगाया गया है कि उन्हें इस्लामिक रीति रिवाज को फॉलो करने के लिए कहा जाता था अगर वो फॉलो करेंगे तो उनकी फीस माफ कर दी जाएगी, और क्या जानकारी मिली है इससे जुड़ी हुई? निश्चित है, ये शुरुआत में जब ये पोस्टर विवाद सामने आए तो हम लोगों ने उन बच्चों को खंगालना शुरू किया गया जिनके पोस्टर में फोटोग्राफ थे। वो दसवीं के छात्राएं थी जो हिजाब में थी, उनसे जब पूछा था तो शुरुआत में उनका कथन कुछ और था, लेकिन जब विवाद बढ़ा तो हमने उन बच्चों को भी खोजना शुरू किया जो कक्षा छठवीं से लेकर के नौवीं और दसवीं तक के छात्र थे। तो एक छात्रा और एक छात्र हमारे सामने आया और उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए गंगा जमुना पब्लिक स्कूल पर, वह बड़े गंभीर आरोप थे। इनका कहना था कि उनको हिजाब पहनने के लिए दबाव बनाया जाता था। छात्र का कहना था कि उनको तिलक यदि लगाते थे, कलाबा बांधते थे तो उनको मना किया जाता था। छात्र का कहना था कि हिजाब बिना लगाए वहां पर अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता था, गेट पर ही जो गेटमैन है वह उसको दबाव बनाता था और इसको लेकर के पहले हिजाब पहनना और उसके बाद स्कूल में प्रवेश दिया जाता था। इन छात्रा को खुलासा है। और वहीं जब अभिभावक से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि उनकी परिस्थिति ठीक नहीं थी और वो फीस नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि जो फीस थी उसको लेकर के प्रबंधक से जब बात हुई तो उनका कहना था कि नाम आप बात कटवाइए, हम आपकी फीस आधी कर देते हैं, माफ कर देते हैं। इस तरह के आरोप भी बच्चों के अभिभावकों के द्वारा इस मामले पर लगाए गए और तीनों के बयान भी सामने आए हैं।